अरे बजरुणी चरी तरती मोते दंडल अजमल जीरा कमर लाडला अरे अजमल जीरा कमर लाडला मेरा तेरा लाल वो अजमल जीरा कमर लाडला मेरा तेरा लाल वो भाई सुखनारा भाई सुखनारा पीरा थानी थावे दुनिया सारी हो। एक बार बताइए भजन जिनको पसंद आ रहा है वो हाथ खोल दे। अरे वाह रे अजमेर क्या बात है। और ताली के साथ ताक धंग नग धक्क लग धक्क लग धक्क लग धक्क लग छुपिए ना आप आगे आ जाइए एक बार खड़े हो जाइए। और साफे वाले भाई साहब आप भी आ जाओ थे भी मारे थे कमजोर हो रहा हो। हाँ 1 2 3 4 धरती पर यो तो अरे थोरारी धरती पर यो तो उड़ तो आवे रे।
आप सभी को बोलना घोड़ो बावेरो। ये देखिए ड्रोन आपको कैद कर रहा है, आप होली कंटर के अंदर कैद हो रहे। दोनों हाथ खोले और मेरे साथ गाए, धोरारी धरती पर यो तुम के घोड़ो मारो, के घोड़ो मारे, के घोड़ो बाबे रो रे ताक धंगलांग 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 नौकरी करनी माने संदेश दीजे तू, देश नौकरी करनी माने संदेश दीजे तू, अरे मिठो मिठो बोली तू, मिठो मिठो बोली तू, अरे दिल जारे मोरिया तू मिठो बोलू मोरिया। अजमेर की धन्य धरा रेलवे स्टेशन में जितनी मेरी मातृशक्ति और भाई बंधु और मेरे बड़े भाई साहब किशोर जी पालीवाल जी, निवेदन करूंगा एक बार नीचे आए कार्यकर्ताओं के साथ में थोड़ा भाव नृत्य करें, और कौन कौन चाहता कि किशोर भाई नाच के हाजिर लगाए वो हाथ खड़े करे एक बार। जिको रामदेव जी महाराज ने माने वो हाथ खड़ा करे, और जो बाबा को नहीं मानता वो हाथ नीचे रखे। उठाइए दोनों हाथ, पूरे पूरे हाथ उठा के ताली के साथ 1 2 3 4। अरे वाह किशोर जी वाह भाई, एक बार किशोर भाई के लिए जोरदार ताली बजाइए।
और एक बार एक मेरी छोटी सी इच्छा है, पूजा जी से निवेदन करूंगा, थोड़ा सा आप हम नृत्य करेंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। नहीं यहां पे कोई नहीं नाचेगा, सब साइड में हो जाइए, यहां आ जाइए पूजा जी, एक बार ताली बजाइए, आप सभी बैठ जाइए, भक्तों से निवेदन करूंगा। आहा क्या बात है, आ जाइए, बहुत ही अच्छे कलाकार जिन्होंने हमारे राजस्थान का नाम समूचे विश्व में रोशन किया, एक बार ताली बजा दीजिए आप सभी। एक बार पूजा जी का नृत्य जिनको अच्छा लगता है वो हाथ खोल लें, अरे जीव तारो थे, दोनों हाथ खोले एक बार, आकल्पेश भाई 1 2 3 4 ए जियो छोरी, रामदेव जी महाराज के प्रति भाव है, और मैं निवेदन करूंगा सभी संघ से का दोनों हाथ खोले पूरे पूरे, जितने भी जो खड़े हैं जिको रामदेव जी महाराज ने माने सभी से निवेदन, किसी का भी हाथ नीचे ना रहे, दोनों हाथों को उठा के 1 2 3 4 अरे हो जी जो बाबा जी थोड़ी सूरत मारो मनड़ो मोयो रे बाबा जी, थोड़ी सूरत मारो मनड़ो मोयो रे बाबा जी, अरे चलो नीरा राम देव रे, चलो नीरा राम देव रे, अरे वारे कल्पेशी We'll be right back.
शक्ति देखिए आप, एक पैर के साथ में दोनों हाथों को उठा के अरे आयो आयो दीन रो दयाल, आयो माता मीना दे रो लाल, अरे लाल रे अजमलिया गणिए उमर खेले बाबो पाल लिए आयो रे आयो अरे आयो आयो दीन रो दयाल, आयो माता मीना दे रो लाल रे अजमलिया गणिए उमर खेले बाबो पाल लिए आपको बात बताऊं मैं, ये भक्ति देखिएगा, एक पैर पे, एक पैर पे बाबा की हाजिरी लगा रही है कलाकार, एक बार ताली बजा दीजिए आप, कंजूसी ना करें। देखिए नचना भी, किशोर भाई शायर ने लिखा, नचना भी इबादत बन जाता जे भक्तों नचने का ढंग होवे, ये भी एक इबादत है। नचना भी इबादत बन जाता जे भगतों नचने दा ढंग होवे, बाबा उनानू बेड़े पार कर दाए, जे भगतों बाबे के जैसा रंग होवे, उसके रंग में रंग जाओ, अगर वो नाच के राजी होता है तो उसको नचा लो। सूफी संतों ने कहा कि तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया छतिया भी वे तबीबा नहीं ते मैं रुल गया, छतिया भी वे तबीबा बाबा के नाम में कौन कौन खोना चाहता है वो हाथ खोले, एक बार कोई रिथम नहीं बजेगा, ये हमारे कलाकार आपकी तालियों के साथ गाएंगे। हाँ भैया, किशोर भाई इतनी पवित्र जगह पे थोड़ा ध्यान
इस रामशा पीर की तरफ करके सरकार गरीब नवाज की तरफ अब हम सभी का ध्यान होगा। जय हो। ख्वाजा जी महाराजा तुम बड़ो तुम एक यही दरबार इस रामशाह पीर के दरबार में आके हम बहुत नसीब वाले हैं। यहां दिल की सच्ची बात 10 किलोमीटर पहले ही निकल जाती है कि मैं किस लिए आया हूं। ख्वाजा जी महाराजा जी तुम बड़ो गरीब नवाज अपना करके राखियो अपना करके राखियो तो तुम्हें बापड़े की लाज। शायर ने कहा है दहली तो दुल्हन बनी दूल्हा निजामुद्दीन दहली तो दुल्हन बनी दूल्हा निजामुद्दीन सारे हिंद के बादशाह सारे हिंद के बादशाह तो मेरे ख्वाजा मोइनुद्दीन। एक बार ये हिंदू मुस्लिम का यहाँ जब मिलन देखता हूँ मैं बीकानेर नहीं पूरे हिंदुस्तान में जाता हूँ तो कहता हूँ कभी भजन संध्या देखनी हो तो अजमेर आना, कभी अजमेर की धन्यधरा आना, वहां देखना भजन संध्या किसे कहते हैं। तो सरकार गरीब नवाज को जो मानने वाले हैं एक बार हाथ खोल दे, वीडियो का जनता की तरफ घुमा दिया मकसूद भाई दोनों हाथों को और ताली के साथ कि मैं लजपाला ते लड़ी लगिया मैं लजपाला ते लड़ी लगिया मेरे तो गम भरे रहने मैं लजपाला हमारे जो आपसे हाथ जोड़ के बहुत अच्छा भाव नृत्य कर रहे हैं आप, एक मेरी अरदास है आप भी मेरे साथ अरदास करें बैठ के सरकार गरीब नवाज से प्लीज रिक्वेस्ट है इसमें, उसके बाद में हम आपकी हाजिरी एक बार थोड़ा सा बैठ जाइए आप और मेरे साथ आपकी भी हाजिरी होगी। कहा मैं लजपाला ते लड़ी लगिया गम परे रहंदे मैं लजपाला मेरी आशा उम्मीद दे मेरी आशा उम्मीद दे सदा बूटे हरे रे Thank you.
और इंसान को घबराना नहीं चाहिए, कभी दुख कभी सुख, जिंदगी के दो पहलू हैं। बहुत सुंदर। एक शायर ने कहा इंसान को जिंदगी से लड़ना चाहिए लेकिन भक्ति भाव ये आज की रात आपकी जाया नहीं जाएगी। क्या बात है। भगवान की कसम जो भी जागा है उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं कह रहा हूं वक्त अच्छा भी आएगा नास, वक्त अच्छा भी आएगा नास। किशोर भाई, वक्त अच्छा भी आएगा नासिर, गम ना कर, गम ना कर, जिंदगी पड़ी है अभी। क्या बात है, बहुत सुंदर। कोई ताजा हवा चली है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी। कि बाबा भक्ति खड़ा थारी द्वार, भक्ति खड़ा है द्वार, भक्ति खड़ा थारी द्वार, लिया छोटी सी अरदास माने दर्शन देवो। एक बार ईमानदारी से बता दीजिए, जो दर्शन पाने आया वो हाथ खोल गए और ताली के साथ 1 2 3 स्टार्ट। अरदास माने दर्शन देवो, माने दर्शन देवो, दर्शन देवो, माने दर्शन देवो। भगत करा हरिद्वार, भगत करा हरिद्वार, या छोटी सी अरदास माने दर्शन देवो, तजापद दर्शन देवो। बाबा पे किस किस को भरोसा है वो हाथ खोले। किशोर भाई, यहाँ पे पहली बार हाजिरी लगी है आपकी, मेरी तीसरी चौथी बार है। क्या बात है। यहाँ के भक्त सुरीले भी बहुत हैं। आप ताली देखिएगा, कोई रिथम नहीं बजेगा, आपकी तालियों के साथ कहूंगा दोनों हाथ खोले के मन दर्शन देवो, बाबा जी दर्शन देवो। गाइए, मन दर्शन देवो, बाबा दर्शन देवो, दर्शन देवो, धजा पद दर्शन दे। 1 2 3 आइए भाई साहब, आइए एक बार।
ये जितने भी भक्त आए हैं बाबा तुम्हारे जन्मदिन में शामिल होने के लिए, हे रुड़ी चला श्याम, मैं सुने तू अंदलिया ने आख्या देवे पांगड़ा ने पांव देवे, बाबा इस भक्त के दिल की बात सुन ले। अगर कोई आदमी कहता है ना कि मैं एकदम सुखी हूं तो वो झूठा है, कुछ ना कुछ दर्द जरूर है, कुछ ना कुछ दिल में बात जरूर है। क्या हो? इस दुनिया में सुनाने से कोई फायदा नहीं है, इस दुनिया में मित्तल भाई मतलब के सिवा कुछ नहीं है। एक शायर ने लिखा, आराम के साथी क्या क्या थे, जब वक्त पड़ा तो कोई नहीं, सब दोस्त हैं अपने, मतलब के दुनिया में किसी का कोई नहीं। और अगर सच्चा कोई नाम है तो वो ईश्वर का नाम है। तो उठाइए दोनों हाथ एक बार, हाथ जोड़ कर अर्ज करा। ये सामने वाले भाई साहब, आपको बाबा से मतलब नहीं है क्या? दोनों हाथ खड़े एक बार। और वीडियो वाले भाई साहब से निवेदन करूंगा, सभी को कैद कर ले, आज की ये रात ऐतिहासिक रात होनी चाहिए। उठाइए दोनों हाथ, क्या बात, और ताली के साथ 1 2 3 स्टार्ट। आइए भजन की अंतिम लाइन कह रहा हूं, अब क्या कहा अंतिम में, कहे राम शापीर, रूणी चेरी धरती राती बाबा भाग जगाया, बाबा भाग जगाया, बाबा भाग वाले। अब आपको मेरे साथ गाना है, दोनों हाथों को खोल के दर्शन देवो बाबा जी, दर्शन देवो, गाइए थोड़ा धीरे भाई साहब, म्यूजिशियनों से निवेदन करूंगा मैं, जब चुप कहूं चुप हो जाऊं। दर्शन देवो की भगत खड़ा हरिद्वार, भाई साहब आपको समझ में नहीं आ रहा है, एक बार गाइए यार, दिल को खुशी मिलेगी। भगत खड़ा हरिद्वार हो बाबा, लिया छोटी सी अरदास माने। एक बताऊं आपको, जितने भी जो कार्यकर्ता सुने, राम शापीर एक ऐसा देवता है जिन्होंने जात पात का भेद मिटाया। लोग कहते ना कि तू हिंदू है या मुसलमान है, वो सिख है वो ईसाई है, छोड़ दे इन झगड़ों को, तुझे जहां अच्छा लगे वहां गिर जा। इस मंदिर को, इस मन के मंदिर को साफ करो, रामदेव जी महाराज ने यही कहा। कितनी सुंदर बात कही कवि ने, ये भंवर अली कह रहा है सच्ची बात। सांस सांस में वो खुदा बसा है, मेरे रोम रोम में राम। सांस सांस में खुदा बसा, मेरे रोम रोम में राम। अरे सीधे साधे लोगों का झगड़े से क्या काम काम। तो एक भक्त बाबा के दरबार में जाके रो के अरदास करता है कि हे बाबा, पूरे हिंदुस्तान में घूमियो बाबा, कोई नहीं सुनियो, अब थारे दरबार में आयो हूं। तो एक एक ऐसा भक्त खड़ा होता है बाबा के दरबार में, वो कहता है कि मूर्ख क्यों रो रहा है, ये तुम्हारे दिलों के हाल जानता है कि तुम मन में क्या सोच रहे हो, मांग ले जो मांगना है। क्या कहा कि क्यों आके रो रहा है, क्यों आ
आके रो रहा है इस बाबा की शरण में। और दो दो बातें हैं, क्यों आके रो रहा है इस ख्वाजा की शरण में, क्यों आके रो रहा है बाबा की शरण में। हर दर्द की दवा है, हर दर्द की दवा है। इस बात को जो सच्ची मानता वो हाथ खोले ईमानदारी के साथ। बाबा की कसम खा के बोल रहा हूं, सच्चे दिल से खोलना तुम्हारी हर मनोकामना पूरी होगी। दोनों हाथों को खोल के, हर दर्द की दवा है बाबा की शरण में, हर दर्द की दवा है बाबा की शरण में, हाँ बाबा की शरण में, शरण में, शरण में। दर्शन देवो पर दर्शन देवो, 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 साथ जितने भी म्यूजिशियन आए एक बार ताली बजाओ म्यूजिशियनों के लिए। और हमारे भाई अजमेर की धन्य धरा के आपके घर के बच्चे, आपका छोटा भाई, एक बार महेश भाई के लिए ताली बजाइए आप सभी। वाह सुपर किशोर भाई, घर के कलाकार का जब घर पे हौसला भरता है तब वो अच्छा कलाकार होता है। क्या बात है, जोरदार ताली बजाए। आप लोग ही अपने घर के कलाकार की इज्जत नहीं करेगा तो बाहर भी उसकी कोई इज्जत नहीं होगी। एक कवि ने कहा कि घर का जोगी जोगी और बाहर का जोगी सिद्ध, ये नहीं होना चाहिए। एक बार दोनों हाथ खोल के हमारे महेश भाई का, मैं भी भंवर अली आपका तहे दिल से अभिवादन करना चाहूंगा। और मेरे साथ मेरे भाई ताहिर भाई, रमेश भाई और भी जितने जो म्यूजिशियन, कल्पेश भाई, पेट वाले भाई साहब नाम नहीं जानता, ढोलक वाले भाई पाल जी, करण भाई, करण भाई, इनके साथ में हाजिरी लगा रहा हूं सारे भाइयों के लिए। ऊंची ताली उठा के जोरदार ठोक के बाबू साजा करे शरीर। मैं अभी सच्चे मन से आया हूं तो भाई साहब बैठ जाओ सभी लोग।
भगवान ने बैठने के लिए बहुत कम, जीवन इतना भागदौड़ का है कि आप लोग चाहे तो भी नहीं बैठ सकते, लेकिन यहां पर बाबा ने आपको बड़ी बैठने की सुंदर जगह दी, बड़े प्रेम से बैठ जाइए। ए रुण झुण बाजे घूंगरा, दोनों हाथों को खोलकर बाजर 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 झुण बाजे घूंगरा, रुण झुण बाजे घूंगरा, बाजे घूंगरा छम छम बाजे घूंगरा, तोड़ लिए रा बाजे लीलेरी हसवारी आवे बाबारी हसवारी आवे आवे रामा वीर जी हो जी हो जी हो जी झुण बाजे घूंगरा छम छम बाजे घूंगरा गोड़ली रा बाजे लीलेरी हसवारी आवे बाबारी हसवारी आवे आवी रामा पीर जी
हजारे मारगा एक अलबिलू असवार जी अलबिलू असवार जी अरे दुर्ग छत किस गडरा मारगा बहुत दूर दूर से आए हो नारायणपुर बस्तर जिले से बालोद से जगदलपुर से रायपुर से बहुत दूर दूर से आए हो और यहां पर प्रत्येक गांव में बाबा रामदेव जी महाराज की जोत है और इसलिए अरे छत्तीसगढ़ का मारगा अब मैं आधा में गा दूं आधा आप लोग गा दो कैसा अरे छत्तीसगढ़ रा मारगा एक अलबेलो असवा ताल लगा ताल लगा तब अरे छत्तीसगढ़ रा मारगा छत्तीसगढ़ रा मारगा एक अलबेलो असवा हरजी भाटी बाबा रामदेव जी महाराज के सबसे बड़े भक्त हुए लेकिन मध्य भारत में बाबजी सोहनलाल जी ने बाबा की ऐसी भक्ति की कि हजारों लाखों लोगों को जीवन दान दिया और वही जो वापस घूमकर यहां पर दुर्ग के नवकार परिसर में बाबा की जगी है तो अंत में हरजी भाटी दी दीन बाबा थे मारा मायरी बाप हो बाबा थे मारा मायरी बाप हो बाबा बेटे बन के कितने आए हाथ खड़ा करो तो मेरे साथ बोलिए बाबा थी मारा मायर नुकीरा ने सुकीरा करो रामा घट में प्रगटे नूर जी
घूंगरा, छम छम बाजे घूंगरा, गोड़ली रा